स्तर से बढ़ गई। 28 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। तबलीगी जमात के कारकुनों में कोरोना केस रिपोर्ट होने लगे। रायवन मरकज में मजीद 23 केस निकल आए। कसूर में 10 गैर मुल्कियों समेत 47 अफराद करंतीना मुंतकिल। पंजाब कोरोना मुतासिरा सूबों में सरे फहरे। इस मुतासिर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। स्क्रीनिंग में गफलत और लापरवाही या कुछ और, बुजदार हुकूमत के इकदाम पर सवाल उठ गए। वजीर आजम आज दोबारा कौम को एतमाद में लेंगे। जखीरांदोजों से सख्ती से निमटने की हिदायत। कोर कमेटी इजलास में अरकान को टास्क सौंप दिए। कोरोना का चैलेंज, मुश्किल वक्त में लीडरशिप का इम्तिहान। जिला नगर में एक और मेडिकल वर्कर दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान की बाजी हार गया। कोरोना मालिक अश्तर की जिंदगी निकल गया। सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। हमारे इन लॉज हमें मना कर रहे हैं कि आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे बगैर मास्क कैप, और ये आपको तो कुछ मिला ही नहीं है। जो पैरामेडिक्स मौजूद है, जो नर्सेज है, इवन के जो वार्ड बॉयज मौजूद है, उन सबको जो है ये प्रोटेक्ट किया जाए। कोरोना मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टरों का हिफाजती किट्स की कमी का शिकवा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का हुकूमत से हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने पर डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करती हूँ। डॉक्टर से हमारा सलाम, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, तुम मसीहा उस मौके सलाम है। मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाते जाबाज कोरोना से निबरत आजमा। फ्रंट लाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स और तिबी अमले को पूरी कौम का सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब ताला कोरोना की वबा से निजात दे। रात 10 बजे मुख्तलिफ शहरों में आजाने दी गई। भारत में फंसे 5 पाकिस्तानी शहरियों को बरास्ता वाघा बॉर्डर वतन वापसी। तमाम अफराद मेडिकल वीजा पर पड़ोसी मुल्क गए थे। मुल्क की फजाई हदूद बंद। फ्लाइट्स कैंसिल होने से सैकड़ों पाकिस्तानी तुर्की में फंस गए। हुकूमत से मदद की अपील। कोरोना से निपटने का मिशन, मुश्किल वक्त में चीन का भरपूर तआवुन। तिबी सामान की एक और खेप पहुंच गई। तिबी माहरीन का दौरा। NIH हिफाजती इकदाम पर ब्रीफिंग। अपने तजुर्बात से आगाह किया। सिंध में लॉकडाउन। शहरियों की नकलो हरकत चेक करने के लिए मॉनिटरिंग ऐप मुतारिफ। ग्रोसरी स्टोर्स के साथ पेट्रोल पंप भी शाम 5 बजे बंद कराने के अहकाम। हाईवे पर ईंधन की फराहमी जारी रहेगी। पंजाब में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। शाहराहों पर नापाबंदी, कई को वार्निंग। इम्तना वबाई अमराज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। डॉक्टर्स पर मीडिया से कोरोना मुतालिक बात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोरोना के खिलाफ अलर्ट। तमाम इदारे मुतहर्रिक। सूबे में अशिया खुरनोश की कोई किल्लत नहीं। मुशीर इत्तला कहते हैं बेरोजगार अफराद को खसूसी पैकेज दिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का अहसन इकदाम। दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए 2 अरब 40 करोड़ का रिलीफ पैकेज। सूबाई वज़ीरा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मर्ज से निपटने के लिए मतलूबा सहूलियात फराहम की जा रही थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 33,974 हो गई। 7,21,000 से ज्यादा मुतासिर। अमरीका में हलाकतों की तादाद 2,484 हो गई। इटली में कोरोना वायरस से मजीद 756 अमवात। तादाद 10,779 हो गई। हमारा
मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। रश वाली जगह पर जाने से परहेज करें। खांसी या छींक आने की सूरत में हमें अपने मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम सबको इस वायरस से निजात फरमाए। ए अल्लाह, हमें कोरोना वायरस से निजात दे। समाजी दूरी, मुनासिब फासला जरूरी, हाथ मिलाएं ना गले लगाएं, एहतियाती तदाबीर से कोरोना को दूर भगाएं। अपने आगाही पैगाम जस्ट टीवी को भेजें, आप नशित करेंगे। और कर्फ्यू के 239 रोज, मकबूजा कश्मीर में जिंदगी आज भी कैद, भारतीय बर्बरियत से वादी में बीमारियों के डेरे।